धरना। केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए शनिवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर भाजपा सांसद के घर का घेराव किया। विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे उड़ाए। इस दौरान छांझ मजीरा बजा कर भी इन्होंने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने बैरिकेड्स कर दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस भी हुई। विधायक संजय शुक्ला, कांग्रेस नेता विनय बकलीवाल, अर्चना जायसवाल सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसियों का आरोप है कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रदेश सरकार के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्र द्वारा प्रदेश को उचित फंड नहीं दिया जा रहा, बाढ़ से हुई नुकसानी को लेकर भी केंद्र की ओर से कोई राहत राशि नहीं मिली, इसके अलावा भी अन्य किसी प्रकार से केंद्र द्वारा मदद नहीं की जा रही। उनका कहना था कि वे अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। प्रदर्शन करें, उनका संवैधानिक उनके पास में अधिकार है। कोई भी राजनीतिक दल जो है अपना प्रजातंत्र के अंदर सभ्य तरीके से मर्यादा में रहकर अपना प्रदर्शन कर सकता है, अपनी बात रखने का उसका अधिकार है, लेकिन मर्यादा में रहकर। और मर्यादाओं को अगर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि उनका गंभीरता नहीं है इस प्रदर्शन के अंदर, गंभीरता का नितांत अभाव है। उनके जो नेता लोग हैं, जो चुने हुए सांसद हैं, चलती हुई संसद के अंदर बात रखने का, जो कि प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर बात ना रखते हुए वो बाहर बात रखते हैं, उसी संसद के बाहर बात करते हैं और अंदर संसद चल रही है, तो वहां से समझ में आता है कि उनकी गंभीरता क्या है। वो केवल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उनको नतीजे के रूप में बदलने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो इस बात का प्रदर्शन कर। हाँ, हमारे कार्यकर्ता निसंदेह उनको स्वागत करने के लिए तैयार है, वो यहाँ पर आए, अगर वो देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर हम उनको गुलाफी कलियों के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। अपनी बात रखने का उनको अधिकार है, उसके लिए हम निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। वो कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस की पुलिस है, अब ये वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्होंने उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है। पुलिस वालों पर भी क्या आप संदेह कर रहे हैं? नहीं, हम कोई संदेह नहीं कर रहे, उनके आपस की समझ है, उन लोगों ने क्या क्या आपस में तय करा हुआ है पुलिस प्रशासन के साथ में, ये वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हम तो यहाँ पे खड़े हैं उनको एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते उनका स्वागत करने के लिए कि वो आए, हम गुलाफी कलियों के साथ में स्वागत करना चाहते हैं। अजय सिंह ने रुका, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर जितने संसद है, जो घर में सोए हुए, जो मतलब लाखों वोटों जीतने के बावजूद जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो अपना बस्ती घर में सो रहे हैं, उनके खिलाफ उनको जगाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता और शहर के आम नागरिक और किसानों द्वारा आज यहाँ पर सब जनों प्रदर्शन किया है। तो सब लोग काले कपड़े पहन के आए और घंटे में क्या है बजाने के लिए कि तुम जागो, तो आदरणीय मोदी जी को जगाओ, जो देश के अंदर पूरा जो पूरे देश के अंदर जो आकार मचा हुआ पानी कारण जो आपदा आई है, उसके लिए जो हमने 10,000 करोड़ मांगा था उसमें हमने 1,000 करोड़ रुपए दिया, तो किसानों की सेवा नहीं कर सकते? ऐसे पद पर आदमी जो संसद है वो जाके उन्होंने बताया और उनको लाखों करोड़ किसानों ने भी जिताया है, उनके को सूद नहीं ले रहा है, वो सब मिलकर खेतों के अंदर से पैसा मांगे, जो हम प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार है और उसके बाद भी हम किसानों को कर्जा माफ कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, परंतु जो केंद्र द्वारा हमारा 1,000 करोड़ रुपए जो हमारा हक है उसको नहीं दे रहे, उसके लिए हम संसदों द्वारा घिरा हुआ जा रहा है। पहले हमने निवेदन किया था कि इन लोगों से आप लोग इकट्ठा होकर आदरणीय मोदी ने मोदी से बात करें और उसके बाद भी कोई बात नहीं करा, तो आज घर जाके पूरे प्रदेश में जितने संसद के घर जाकर उनको घेराव करा, अब की नहीं माने तो एक का जवाब पत्र दे दिया जाएगा।